दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफे, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देख कर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ
घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है, और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है।
दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है। दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देख कर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है
लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहां मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ ही लवली किसी और से प्यार करती है। दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके। उसके लिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। दोस्तों, अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा,
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है, लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझक हुए लवली धीरे धीरे रेशे में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहां मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेहद आसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो
आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझक ते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहां मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी मां की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देख कर माया लवली को बताती है कि वे आया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ
बताया कि अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है, और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है।
और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिए।
लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है, लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देख कर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है, लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ ही लवली किसी और से प्यार करती है। दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है।
पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझक हुए लवली धीरे धीरे रेशे में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहां मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफे, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझक ते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहां मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ
घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है।
और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है। दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है
लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे रंजन म्हात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्यमय छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है। दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो
तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है, लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देख कर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है,
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ ही लवली किसी और से प्यार करती है। दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझक हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहां मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता
कविता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरीलाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरीलाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है, और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझक ते हुए लवली धीरे धीरे रेशे में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहां मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है।
और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है। दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। दोस्तों, अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है
लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहां मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर,
करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है, लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे रंजन म्हात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देख कर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है,
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देख कर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ ही लवली किसी और से प्यार करती है। दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ
घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है, और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझक हुए लवली धीरे धीरे रेशे में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहां मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है।
दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरीलाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरीलाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है
लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहां मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है। दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देखकर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों। दोस्तों, अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी, और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा,
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है, लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे रंजन म्हात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देख कर माया लवली को बताती है कि वे आया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है,
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDB की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफे, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को आप इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देख कर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है, जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।
दोस्तों अगर आप भी बॉडीगार्ड मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडीगार्ड मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अगस्त 2011 में रिलीज की गई एक्शन एंड रोमांस मूवी बॉडीगार्ड, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। 2011 में दोस्तों ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का इतना अच्छा चलन चलता आ रहा है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। पब्लिक और क्रिएटिव्स की तरफ से दोस्तों इस मूवी को काफ़ी अच्छा प्यार दिया जा रहा है, तो दोस्तों आप भी इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स IMDb की तरफ से दोस्तों 10 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 69% तक लाइक किया है। तो दोस्तों इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सलमान खान, करीना कपूर खान, हेजल कीचे, कैटरीना कैफ, रजत रवेल, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, करिश्मा कपूर, मोहम्मद फैजान, चेतन हंसराज, शरद सक्सेना, विद्या सिन्हा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस मूवी को आप इस प्रकार एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है लवली बलवंत सिंह को दिव्या राणा के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वे रंजन मात्रे के नेतृत्व में उग्रवादी राजनीति के विरोधियों के रक्षा कर सके, जो उसके पिता सरताज राणा को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में लवली की मां को बचाया था। लवली की लगातार सुरक्षा से दिव्या चिढ़ जाती है और विश्वविद्यालय की एक साथी छात्रा छाया को लवली से प्यार करने का दावा करती है। हालांकि शुरू में झिझकते हुए लवली धीरे धीरे रहस्य में छाया के करीब बढ़ती गई। उसकी सुरक्षा से अधिक स्वतंत्रता पाने में दिव्या की सफलता है उनके एक नाइट क्लब में जाने की अनुमति देती है, जहाँ मात्रे के लोगों द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन लवली उसे बचा लेता है। दिव्या को जल्द ही लवली से प्यार हो गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से वे लवली को छाया कहकर बुलाती है और उसे अपने साथ भागने के लिए कहती है। सरताज को नौकरानी सविता ने सूचित किया कि लवली और दिव्या भाग जाएंगे और वे लवली को मारने के लिए अपने आदमी भेजता है। सरताज को ये समझाने में असमर्थ कि लवली किसी और से प्यार करती है, दिव्या अपनी दोस्त माया से कहती है कि वे उसके साथ वे एक रेलवे स्टेशन पर लवली से मिले और उसे सच्चाई बताए। रेलवे स्टेशन पर सरताज के आदमियों को देख कर माया लवली को बताती है कि वे छाया है और दोनों चले जाते हैं। वर्षों बाद लवली, जो अब कनाडा में रहने वाला एक सफल व्यवसायी है, अपने बेटे सरताज सिंह के साथ सेवानिवृत्त सरताज से मिलने के लिए लौटता है। लवली को लगता है कि दिव्या अभी भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। सरताज ने कहा कि उसकी खतरनाक राजनीतिक करियर ने दिव्या के लिए व्यक्तिगत प्यार पाने की संभावनाओं को
को सीमित कर दिया है। अपनी यात्रा के आखिरी दिन सरताज सिंह ने दिव्या को अपनी माँ के रूप में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। सरताज सिंह को अपनी माँ माया के अतीत के बारे में एक डायरी से पता चलता है जो उसने उसे तब लिखी थी जब माया कैंसर से मर रही थी। उसकी प्रारंभिक मृत्यु लिखना उसके कार्यों की सजा थी। सरताज सिंह अपनी माँ की ओर से दिव्या से माफ़ी मांगता है। लवली सरताज सिंह को दिव्या से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सरताज लवली को दिव्या से शादी करने के लिए कहता है उसी रेलवे स्टेशन पर जहाँ उसके माता पिता गए थे। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।